दूर जंगली जानवरों से भरे हुए घने जंगल में एक छोटा सा अनाथ बच्चा रहता था, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ना माँ थी, ना पिता, ना कोई परिवार और ना कोई घर। पर उसे पता था कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे सच्चे साथी के साथ बांटने से वो आसान हो जाता है। ये वो कहानी है कि कैसे उसे सच्चा साथी मिला। Ah!
नीचे लकी, लकी नीचे, नीचे बैठो लकी। खड़े हो जाओ लकी, दाएं चलो, दाएं दाएं, दाएं चलो लकी, दाएं चलो, हाँ दाएं दाएं, अच्छे बच्चे, दाएं चलो, दाएं दाएं लकी, दाएं बाएं नहीं, दाएं नहीं लकी, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, दाएं चलो, दाएं चलो, दाएं चलो, बाएं नहीं लकी, दाएं, बोलो ना, दाएं चलो, शाबाश, बहुत अच्छे, चलो, हाँ चलो, बहुत अच्छे लकी, अच्छा बच्चा, चलो, दाएं चलो, बहुत बढ़िया, दाएं दाएं, हाँ दाएं चलो, बाय बाय, बाय चलो। अब दाएं, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी, चलो। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत छोटा है और तुम भी छोटे हो, जाओ कुछ सालों के बाद आना। आराम से, आराम से, वहीं पे। हाँ चलो, पैसे नहीं सिर्फ खाना मिलेगा। तुम इतना कैसे खा लेते हो? हमें इतने पैसे नहीं मिलते। मुझे देखो, मैं थोड़ा खाता हूँ, मेरा पेट भर जाता है, पर तुम्हारा भरता ही नहीं। और क्या करना है बॉस?
माफ करना तुम्हें जाना होगा। काम खत्म हो चुका है। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? चल मेरे हाथी सकता है, इसे काम दीजिए। काम नहीं है। मदद चाहिए? नहीं। देखो मुझे क्या मिला। मुझे भी भूख लगी है। मुझे कुछ नहीं होगा लकी, मैं ठीक हूँ। हमें काम मिल गया। पीछे उठाओ। तुम इससे बात करते हो? ये मेरा दोस्त है। वाओ, Yeah।
काम खत्म, घर जाओ, अगले साल आना। हमारे काम का क्या होगा? टूरिस्ट का सीजन खत्म हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ठंड आ रही है, हम क्या खाएंगे? तुम दोनों एक काम करो, शहर में जाओ। नहीं, वहाँ पेड़ से पैसे बरसते हैं। मेरी दादी माँ कहती थी शहर में पेड़ नहीं है। यहाँ देखो तुम, उनके पास पेड़ हैं, उनके पास पैसे हैं। मेरी बात सुनो छोटे बच्चे, तुम्हें पैसे चाहिए है ना? मुझे पैसे चाहिए, लकी को भी पैसे चाहिए। तो फिर शहर जाओ। मैं शहर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। पैसा जरूरी होता है बच्चे। ए, ए, हट हट पीछे हट, ए, हट। चलो ठीक है, जाओ। उठाओ उठाओ, बढ़िया रखो, पीछे आओ, गुड बॉय लकी। क्या कर रहे हो लकी? सामान उठाओ, मेरे पास आओ लकी, चलो आओ, अपना काम करो लकी।
हमें ये करना होगा। ये क्या कर रहे हो लकी? रुक जाओ लकी, रुको और मेरे पास आओ। क्या कर रहे हो तुम? ये खेलने का समय नहीं है। वापस आओ लकी, वापस आओ, नहीं तो ये हमें काम से निकाल देंगे। ऐसा मत करो, वापस आओ लकी, मेरी बात सुनो, वापस आओ। क्या कर दिया तुमने? हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, गलती से हो गया। तुम्हारी गलती है, अब जाकर साफ करो। मुझे माफ कीजिए। दिमाग मत खराब करो। ये क्या किया लकी? हम दोनों के लिए मुसीबत हो गई। रुको लकी, रुको। चलो काम करो, चलो जल्दी उठाओ, अब रख दो। ऐसे ही रुक जाओ, तुम अपना काम करो लकी। तुम कहाँ जा रहे हो लकी? आराम से लकी, धीरे चलो। तुम्हें क्या हो गया है लकी? पीछे, कम ऑन लकी, बैक बैक लकी, पीछे जाओ। तुम इसे लकी कहते हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? वो काम ढूंढने बाहर चले गए। मैं अपनी दादी माँ के मरने तक उनके साथ था। कोई भाई या बहन नहीं? नहीं, बस लकी। तुम्हारी नौकरी गई आज से। बंद करो। Thank you.
मुझे दिख रहा है वो तुम्हें भी दिख रहा है? मुझे तो बस एक हाथ ही दिख रहा है। मुझे वहां पैसे दिख रहे हैं। अच्छा क्या वो लगभग 5 साल का है, एक मेल, बहुत ही खूबसूरत सुवर्ण, तो लगाओगे इसकी बोली? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो तो खाना लाने गए हैं। तुम्हारा हाथी खूबसूरत है। ये तो वाकई में कलाकार है, मुझे कॉल करना।
मैगी, ये वो नहीं है। साजन, मैं टैक्स पेयर हूं और ये हाथी यहां परेशानी खड़ा कर रहा है जिससे मेरे कस्टमर्स भाग रहे हैं। लगी है। परेशान मत हो, मेरा दोस्त डॉक्टर है। सच में? हाँ। ओह, तुम नहीं चाहोगे कि ये बीमारी से मर जाए, है ना? नहीं। तो हमारे साथ आओ। कम ऑन। चलो लगी। ये लो, खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? क्या लकी ठीक हो जाएगा? पहले की तरह। आपको पूरा यकीन है? ये काम मैं सालों से कर रहा हूं। हम तुम दोनों को एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां पुलिस तुम्हें तंग ना करे। हम आ गए, अब तुम सो सकते हो। खाओ खाओ, देखा? अब तुम जाके सो जाओ। मैं लकी को लेके नदी पर जाना चाहता हूँ। पहले अंधेरा हो जाने दो, वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। जाके सो जाओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। वेरी गुड। और आप क्या करेंगे? मैं यही रहूंगा।
तुम चिंता मत करो, यहाँ रहकर हम लकी को केले खिलाएंगे। उसे पानी चाहिए। पानी उस टंकी में है। ठीक है। चलो। चुप रहो, छोड़ दो उसे। चलो ऊपर। चुपचाप यही खड़े रहो, तुम समझे? सुना नहीं तुमने? हाँ? नहीं नहीं, तुम ही वापस आओ। चलो, उसे मत छूना, उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, उसे अकेले छोड़ दो। आगे बढ़ो, चलो। नहीं नहीं, शाबाश। हाँ, चलो चलो आगे बढ़ो, बढ़ो बढ़ो, चलो चलो जल्दी ऊपर चढ़ो। चलो, अरे सुना नहीं, जल्दी करो। चलो, हिलता भी नहीं है। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो। लगी, रुक जाओ। चलो, पैर बढ़ाओ अपने। पीछे लगी, पीछे। याओ लगी, आओ। याओ, पीछे। रोको, रोको इसे। अरे, रोको इसे, नहीं तो किसी को चोट लग जाएगी। रोको। और वो तुम्हें ही लगे। अरे, रोको। जल्दी आओ, आओ। ए, रुक जाओ। वापस जाओ। चलो चलो, रुको। पीछे। आदमी यहाँ है क्या? यहीं रुको। ओहो, वो डांसर, खुशी हुई तुम्हें। अंदर आ जाओ। किसी को कहो कि इसके पैर का इलाज करे। वेट। बहुत उदास लग रहे हो, शायद तुम्हें भूख लगी है। मैं ठीक हूँ। तो तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं? देखो उसे। ठीक है, जरा इसे देखे।
लकी पकड़ो इसे, चलो तुम ये कर सकते हो, चलो लकी पकड़ो, लकी तुम ये कर सकते हो, लकी पकड़ो, पकड़ो इसे, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, पकड़ो इसे। मैं कोशिश करता हूँ। पकड़ो पकड़ो इसे, जाओ पेंट करो, जाओ पेंट करो, चलो करो, चलो चलो। गुड गुड गुड। नीचे नीचे आराम से, वेरी गुड, गुड बॉय। नीचे स्लो स्लो, गुड गुड। और करो। ये सिखाने का तरीका नहीं है। पहले देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, रुको, पेंट। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो तुम। इसे अपने तरीके से करना पसंद है। उसे फूल पेंट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यही ज्यादा बिकता है। ठीक है। अच्छे पेंटर्स अलाउड है। क्या वो कैंडी है? देखो इसके कितने पैसे मिलते हैं। तुम्हें भी फूल बनाना सीखना चाहिए। रहे हो पेंट करना सीख रहे हैं। देखो पेंटिंग सभ्य लोगों के लिए है, जंगलियों के लिए नहीं। तुम जंगली किसे कह रही हो? तुम्हें। लकी और मैं मेहनत कर रहे हैं। बढ़िया, मेहनत करो और मेरे हाथी से दूर रहो। तुम इतनी सेल्फिश क्यों हो? क्योंकि मुझे ये जगह पसंद है और इसे मैं पिछली बार की तरह नहीं छोड़ना चाहती। खुद को साबित करेंगे दोस्त। धीरे चलो लकी,
रुको, तुम्हारा यहाँ आना मना है। हाँ हमें पता है, इधर चलो लकी। शांत रहो लकी, यही वो जगह है जहाँ जंगली सोते हैं। ऊपर। गुड। यस। ऊपर। गुड, अच्छा बनाया। अब लाल रंग दे दो। पकड़ो, ऊपर घुमाओ घुमाओ घुमाओ। ओहो नहीं, रुको रुको रुको, ये धब्बे मत बनाओ। अब तुम इसे सिखाओ और डाली के लिए कहो ऊपर ऊपर, और कहो रुको, और फूल के लिए कहो घुमाओ घुमाओ। ठीक है? ठीक है, शुरू करो। अब पकड़ो, अब बनाओ। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को देखना है तो फूल बनाने होंगे। बनाओ आराम से, आराम से। ऐसा मत करो, तुम दूसरों की तरह फूल क्यों नहीं बनाते? रुको लकी, रुक जाओ। सो अपनी सूंड पीछे लो लकी, रुको। ये क्या गड़बड़ कर दी, क्लास खत्म हो गई। ये तुम क्या कर रहे हो? अब काम अच्छे से करो, ठीक है? ऊपर ऊपर लकी, ऊपर। बहुत अच्छा, शाबाश लकी, तुम कर सकते हो। पहले डाली बनाओ और फिर फूल। ठीक है ना? हाँ, पर क्या ये दोबारा ऐसा बना पाएगा? बना लेगा, मुझे यकीन है। पहले से ज्यादा अच्छा कर रहा है। थैंक यू। हाँ, पर अभी इसमें अनुशासन की कमी है, ये पूरी तरह तैयार नहीं है। एक ही तरीका है ये पता लगाने का, इसे शो में लेकर आओ।
रख लो। अब शुरू करो। लकी रुक जाओ। ये गलत है। मैं ये कर सकता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, अब रोको इसे। तुम्हें पता है ना यहाँ शो चल रहा है। रुको लकी, रुक जाओ। वो जीन जैक है, मशहूर आर्ट क्रिटिक। वो जीन जैक है? ओह माय गॉड। सर, क्या मैं आपको अपने मास्टर पेंटर्स की पेंटिंग का नमूना दिखा सकता हूं? आइए। जरा आप वहां देखिए। फ्लावर्स फ्लावर्स फ्लावर्स, सब जगह फ्लावर्स ही क्यों हैं? ये पेंटिंग्स नहीं हैं, ये तो वॉलपेपर्स हैं। क्या बना रहा है? ये कोई आर्ट नहीं है, ये तो ब्यूटी है। इस हाथी के अंदर एक महान चित्रकार की आत्मा दिखती है। ये सब ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कमाल का है। थैंक यू। ये पेंटिंग मेरी हुई 5,000 में, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? 5,200। मैं इस पेंटिंग के लिए कुछ भी दे सकता हूँ। 6,000। 6,600। कौन है ये? मैं लूँगा 7,000। देखा तुमने क्या किया? 7,000। ये मैंने नहीं, लकी ने किया है। 8,000। 9,000। 10,000। सोल्ड। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ओ माय, जीन जैक ने वो पेंटिंग खरीद ली। वो पेंटिंग कमाल है। सभी लोग जरा इसे देखिए, यही वो लड़का है जिसने इस हाथी को ट्रेंड किया, यही है इसका महावत। पर वो मैं नहीं। Thank you.
ये तो कमाल की है, किसी हाथी ने अब तक ऐसी चित्रकारी नहीं की। बहुत ही सुंदर, शाबाश, ब्यूटीफुल। प्यार हो गया है हमारे हाथियों को। तुम पागल तो नहीं हो? नहीं, प्यार तो किसी को भी हो सकता है। ये रहा लकी का नया घर, हमें पसंद है। और तुम यहाँ रहोगे। और कौन यहाँ रहता है?
कोई नहीं, अब हम पड़ोसी हो गए हैं। थोड़ा आराम कर लो, वीकेंड में डबल शो करने हैं। क्या तुम यही खाना खाते हो? खाना पकाना नहीं आता। आसान है, आग। आग? लहसुन? चिकन? और सब्जियां? फिर चावल, और अंडा। तीखा है। तीखा खाने का अपना अलग ही मजा है। चाहता हूँ हमेशा सब कुछ ऐसा ही चले। रुको लकी, तुम डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। ये प्रेग्नेंट है, ये मां बनने वाली है। मैंने हमेशा लकी के लिए सब कुछ किया। लकी का अब एक परिवार है। मैं भी उसका परिवार हूँ। एक दिन तुम्हें नए हाथी के बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी, जैसे तुमने लकी को दी है। मैं? जरूर, तुम हाथी के बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो। ठीक है, पर कैंडी को बच्चा कब तक होगा? लगभग 2 साल में। ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, एक बच्चा जो साइज में बड़ा होगा। जल्दी करो, शो शुरू हो रहा है। लकी आओ, वापस आओ। लकी, कैंडी आओ। लकी, कैंडी। लकी आओ, कैंडी वापस आओ। कैंडी स्टॉप, कैंडी। लकी तुरंत आओ। स्टॉप, स्टॉप, नहीं वापस आओ। Oh!
ऐसा करना जरूरी है? तुम चाहते हो कि लकी भाग जाए? नहीं। फिर आज रात के लिए यही ठीक है। मुझे लगता है आज रात को सबको चैन से नींद आएगी। मैं समझ नहीं पा रहा लकी भागना क्यों चाहता है। तुम पजल्स में अच्छे हो, खुद पता करो। मैं जा रहा हूँ लकी को आजाद करने। मेरे ख्याल से वो यही चाहता है। तुम कैंडी को भी उसके साथ जाने दो। जाकर सो जाओ। लकी और कैंडी अब एक परिवार हैं। वो यही चाहते हैं। वो उसे भूल जाएगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? पर मेरे साथ हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों के साथ भी वही करें। दोस्त को अलविदा कहना चाहती हूँ। सच कह रही हो? परिवार को हमेशा साथ रहना चाहिए। सच कहा ना मैंने?
तुम्हारी याद आएगी लकी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। क्या कर दिया तुम दोनों ने? हमने मतलब उन्हें जाने दिया। मेरे दो बेस्ट पेंटर्स, वो परिवार बनाना चाहते थे। वो अब एक परिवार है। मैंने ये किया, इसने नहीं, और मैं भी जा रहा हूँ। हम दोनों ने ये किया और हम दोनों जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम भी एक परिवार हैं, हम साथ रहेंगे। तुम जो चाहो अपने हाथियों के साथ कर सकते हो, लेकिन यहाँ से क्यों जाना चाहते हो तुम? अब हमारे पास हाथी नहीं रहे। पर मेरे पास तो बहुत सारे हाथी हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उन्हें पेंटिंग सिखाओ। सच? जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। क्या तुम दोनों यहाँ रुकोगे? हाँ। क्या हम रुकेंगे? हाँ कहो। इसने हाँ कहा। गुड, चलो चलते हैं, हमें शो पे जाना है। तो इस तरह अब वो अनाथ बच्चा अनाथ नहीं रहा, क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गया था, एक बहन जो उसके पास नहीं थी। और एक दोस्त बनाने पर उसने जाना कि वो और भी दोस्त बना सकता है, और फिर उसके बाद कई सारे। और इस दौरान उसे लगा कि उसने परिवार बना लिया है। यही एक अच्छे जीवन का राज है, जिसे लकी ने भी सिखा था। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने और कई हाथियों को सिखाया जो महान चित्रकार बने। लकी और कैंडी का परिवार अब पूरा हो गया इस बच्चे के आने से।